एक बात बताइए, जो पढ़ता है वो पास किया और जो नकल करके पास कर जाए, उनके जनता के, देखिए चिराग पासवान जी का जो वहां वहां के कैंडिडेट का जीत है, चिराग पासवान जी का क्या योगदान रहा है? अब ठीक है भाई, किसी न किसी, अब यहाँ निर्दलीय या कहीं भी निर्दलीय नहीं जीत जाता है, तो उसको मतलब क्या हो गया कि लोकतंत्र कमजोर है? नहीं, देखिए हकीकत यह है कि चिराग पासवान जी का इस जीत में कहीं श्रेय नहीं है। नहीं, नागालैंड में झटका क्या कहेंगे, हम लोग तैयारी किए, हम लोग लड़े, हम लोग का एक सीट आया, हम लोग का आशा अनुरूप नहीं हुआ, फिर भी अच्छा स्थिति है। झटका तो आज मिला है आपकी, पूर्व सांसद, जेडीयू की पूर्व सांसद मीना सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू नेता राजेश तिवारी हैं और राजेश तिवारी साहब से बातचीत इसलिए, जेडीयू के नेता से बातचीत इसलिए क्योंकि एक के बाद एक कई खबरें नीतीश कुमार के लिए आई, ऐसी आई हैं जिसको बुरी खबर कहा जा सकता है, झटका कहा जा सकता है। ताजा मामला नागालैंड का है, नागालैंड से इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। कहाँ कमी रह गई? पूरी ताकत लगाई, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी गए, एक ही सीट नहीं। देखिए ये सही है कि हम लोग का जितना नागालैंड से आशा था उसके अनुसार से हम लोग का वो रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन ये भी सही है कि हम लोग मेहनत किए, अपना संगठन को मजबूत किए, जनता के विश्वास पर खड़े उतरे, एक सीट आए हैं। आने वाला चुनाव में हमारा संगठन वहां मजबूत है और निश्चित रूप से हमको अच्छा परिणाम का आशा है। नहीं, जो सवाल हमारा है सर, वो सवाल ये है कि आपके जो सहयोगी हैं आरजेडी, उनको भी एक भी सीट हासिल नहीं हुई, आपके आपके जो गठबंधन आपके साथी नहीं है, आपके जो सियासी दुश्मन हैं लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, चिराग पासवान, उनकी पार्टी कल होली से पहले होली मना रही थी, दो सीट नागालैंड में। एक बात बताइए, जो पढ़ता है वो पास किया और जो नकल करके पास कर जाए, उनके जनता के, देखिए चिराग पासवान जी का जो वहां वहां के कैंडिडेट का जीत है, चिराग पासवान जी का क्या योगदान रहा है? अब ठीक है भाई, किसी न किसी, अब यहाँ निर्दलीय या कहीं भी निर्दलीय नहीं जीत जाता है, तो उसको मतलब क्या हो गया कि लोकतंत्र कमजोर है? नहीं, देखिए हकीकत यह है कि चिराग पासवान जी का इस जीत में कहीं श्रेय नहीं है। हमारा संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां गए, वहां प्रोग्राम हुआ, सब कोई जान रहा है क्या उनका कहाँ था। और ये तो अच्छा हुआ कि बिहार से जिस तरह से इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, खुद अपना स्थिति इनका गड़बड़ हो रहा है, नागालैंड में किसको दिखाई दे रहा है कि आने वाला चुनाव में वो नागालैंड जाए? थोड़ी नरमी भी दिख रही है। उनकी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि चिराग नीतीश कुमार देश की बागडोर संभाले। अब ऐसे बयान की उम्मीद आप चिराग की पार्टी से नहीं कर सकती जेडीयू। देखिए तो चिराग पार्टी में चिराग जी के पार्टी में सब कोई चिराग पासवान वाला बुद्धि तो रखता नहीं है। हाँ। अरे उसमें समझदार भी लोग है, वो लोग भी बिहार के रोड पर चलता है, कानून व्यवस्था में रहता है, उनके घर भी बिजली जलती है, सब कोई तो दिल्ली तो रहता नहीं है चिराग पासवान जी जैसा। तो वही स्थिति है, जो हकीकत जानेगा, जो इस माहौल में रहेगा वो हकीकत है कि नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकारेगा और वो चाहेगा कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री और देश में अगर विपक्षी एकता को लेकर के कोई मुहिम चलाने वाला है तो वह है नीतीश कुमार। 2024 से पहले इसको झटका नहीं कहेंगे, नागालैंड में जो नतीजे आए जेडीयू के मन मुताबिक? नहीं, नागालैंड में झटका क्या कहेंगे, हम लोग तैयारी किए, हम लोग लड़े, हम लोग का एक सीट आया, हम लोग का आशा अनुरूप नहीं हुआ, फिर भी अच्छा स्थिति है। झटका तो आज मिला है आपकी, पूर्व सांसद, जेडीयू की पूर्व सांसद मीना सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए ये पूर्व सांसद जी ने इस्तीफा दिया है ये सही है, लेकिन उसका क्या व्यक्तिगत रूप से क्या कारण है अभी तो नहीं सामने आया है, और आने दीजिए, उसके बाद पार्टी इस पर देखेगी क्या करना। देखिए हमारे साथ आरजेडी, माफ कीजिएगा, जेडीयू के नेता राजेश तिवारी साहब थे और इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।